ये है पत्ता गोभी, ये इसके हम आज बना रहे हैं पकौड़े, और आज इसकी ही हम ग्रेवी सब्जी बनाएंगे। अब थोड़ा सा तेल बची गया है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चिप्स भी फ्राई कर ही दें। हमने ये सब फ्राई कर लिया है। ये है पत्ता गोभी के पकौड़े, ये है साबूदाना का पापड़, ये है पालक का चिप्स और ये है आलू चिप्स। अब हम बनाएंगे खाना, ये अलग और ये अलग। तो हमने ये लिया है अदरक, जीरा और हरी मिर्च। अब इसको हम कूट लेंगे। वैसे हम बिना अनियन गार्लिक के ही खाना बनाएंगे क्योंकि भोग भगवान को बिना अनियन गार्लिक के ही लगता है, तो इसको हम अच्छे से खून लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें डालेंगे दालचीनी, तेज पत्ता और लौंग, और उसके बाद हम ये पूरा मसाला डालेंगे। और जब ये पूरा मसाला लाल हो जाए तो आपको इसके अंदर डालना है टमाटो प्यूरी। अब ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर हमने डाला था लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, और पकौड़ों में भी हमने ऑलरेडी ये सारे मसाले डाले हैं, तो मसाले थोड़ा सा ध्यान से डालना होगा ग्रेवी में कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि हम जैसे कि मैंने कहा कि हम भगवान को भोग लगाने वाले हैं ये खाना, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब जैसे ये पक जाएगा आप इसके अंदर चाहें तो क्रीम वगैरह भी डाल सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, बट मैं अवॉइड कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर पकौड़े ऐड करूँगी एक बार ये मसाला पक जाए तो। देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरा तैयार हो गया है इसका ग्रेवी। अब हम इसके अंदर डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि मैं ये विदाउट अनियन गार्लिक के बना रही हूँ, तो जो इसका जो ग्रेवी है ना थोड़ा सा पतला रहेगा, और कस्तूरी मेथी है वो थिकनेस का काम करती है, तो अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये पकौड़े जो हमने बनाए हैं। मैंने इसको थोड़ा सा हाथों से दबा के प्रेस किया है कि अगर ये मसाले इसके जो हैं वो सारे इसके अंदर चले जाएं और अच्छे से सोख लें और इसका टेस्ट पकौड़े के अंदर भी अच्छे से आ जाए। अब हम इसको थोड़ी देर अच्छे से पकने देंगे। तो ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप चाहो तो इसको ज़्यादा ग्रेवी भी कर सकते हो, बट मैंने इसको नॉर्मल रखा है। और ये ले घी वाली रोटी, और अब हम इसको परोसेंगे। तो ये रेडी हो गया है लंच, ये घी की रोटी, इनके चिप्स और ये पत्ता गोभी के पकौड़े की सब्जी, पानी, और ये इनको थोड़ा सा मैंने पकौड़े एक्स्ट्रा दिए हैं। तो ये है आज के दोपहर का भोग प्रसाद हमारे दोनों प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए। देखिए कितने खुश हैं आज ये। तो आज ये सब खाएंगे ये। जय श्री राधे।